गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लोथ्स एंड फाइबर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है क्लोथ्स एंड फाइबर्स। लेट्स बिगिन दिस। सो इन द एंशियंट टाइम्स मींस पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, द पीपल यूज टू वियर द लीव्स टू कवर देयर बॉडी। लोग पेड़ों के पत्तों को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहना करते थे। द यूज टू वियर द बार्क्स टू कवर देयर बॉडी। वो पेड़ों की छाल को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहना करते थे। दे यूज टू वियर द एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। वो एनिमल स्किन यानी जानवरों की खाल को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहना करते थे। सो इन द एंशियंट टाइम्स द प्रिमिटिव पीपल यूज टू वियर, ये पुराने ज़माने के लोग पहना करते थे। क्या पहना करते थे? लीव्स मीन्स पेड़ों के पत्ते, बार्क्स यानी पेड़ों की छाल, एनिमल स्किन्स यानी जानवरों की खाल। तो ये वो चीज़ें हैं जो एंशियंट टाइम्स यानी पुराने ज़माने में ये जो लोग हैं पुराने ज़माने के, दैट इज़ प्रिमिटिव पीपल, ये पहना करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब लोग ये लीव्स, बार्क्स या फिर एनिमल स्किन्स ये नहीं पहना करते, वो पहना करते हैं क्लोथ्स। और ये क्लोथ्स बने होते हैं फाइबर्स के। तो क्या हैं ये फाइबर्स और किस तरह से इनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मूविंग अहेड, वी हैव व्हाट आर क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या होते हैं? वॉच हियर, द आइटम्स दैट वी वियर टू प्रोटेक्ट आर बॉडी आर कॉल्ड क्लोथ्स। वो आइटम्स जो हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कवर करने के लिए पहना करते हैं, उनको हम क्लोथ्स बोलते हैं। एंड द क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। ये क्लोथ्स फाइबर्स के बने होते हैं। अब ये फाइबर्स क्या हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। Watch here. Now we will classify the fibers. This is the classification of fibers. Fibers को हम classify करेंगे. Classify करेंगे two parts में. And the first one is natural fibers. And the second one is synthetic fibers. यहाँ पर mainly two ways में classify किया गया है fibers को. Natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers and synthetic fibers. So what are natural fibers? What are synthetic fibers? ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। Watch here, natural fibers. These are derived from plants and animals. ये ऐसे fibers हैं जो कि plants and animals से हमें मिलते हैं। Plants and animals से मिलने वाले fibers को हम बोलते हैं natural fibers. और ये क्या क्या हैं, देखिए। ये है cotton fiber. Cotton fiber हमें plants से मिलता है। Jute fiber, ये भी हमें plants से मिलता है। सिल्क फाइबर, ये हमें एनिमल से मिलता है। एंड वूल फाइबर, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। कॉटन फाइबर, ये हमें प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। सिल्क फाइबर, ये हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क यानी कि रेशम, ये हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, यानी सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल फाइबर, वूल यानी ऊन, ये हमें शीप से मिलता है, यानी भेड़ से मिलता है। मींस ये भी हमें एनिमल से मिलता है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, इनमें से ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं, एंड सिल्क एंड वूल हमें एनिमल से मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? वॉच हियर, दीज आर मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये मैन मेड फाइबर्स हैं, यानी इंसान के बनाए हुए फाइबर्स हैं, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। मींस ये ओरिजिनल फाइबर्स नहीं है, मींस हमें ये डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स से नहीं मिलते। ओके, एंड दीज आर नायलॉन फाइबर एंड रेयॉन फाइबर। नायलॉन फाइबर एंड रेयॉन फाइबर, ये वो फाइबर्स हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं। मींस ये मैन मेड फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। ये थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं, मींस पॉलीमर्स हैं ये, और ये डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। मींस दीज आर मैन मेड फाइबर्स। राइट, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव दिस क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर बर्न फास्टर। मीन्स सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े जल्दी जलते हैं। मीन्स अगर आप सिंथेटिक फाइबर के बने हुए क्लोथ्स पहने हुए हैं, सो यू मस्ट अवॉइड द फायर। आपको आग से बचना चाहिए, बिकॉज ये कपड़े बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं।
नाउ मूविंग अहेड वी हैव स्पिनिंग एंड वीविंग। क्या होती है स्पिनिंग, क्या होती है वीविंग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके वॉच हियर, दिस इज द कॉटन फाइबर, ये कॉटन फाइबर है। अगर हम इस पर स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग का मीन्स ट्विस्टिंग, अगर हम इन फाइबर्स की ट्विस्टिंग कर देते हैं आपस में इस तरह से, अगर हम इन फाइबर्स की आपस में ट्विस्टिंग कर देते हैं, ट्विस्टिंग करने से क्या होगा, ये फाइबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रेड में, ये फाइबर्स थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे स्पिनिंग की वजह से या फिर ट्विस्टिंग की वजह से। ओके नाउ अब इन इस थ्रेड को हम क्या करेंगे, इस थ्रेड की हम वेविंग करेंगे। वेविंग मीन्स इस तरह से हम लेयर्स बनाएंगे, पहले ये थ्रेड बनाएंगे और फिर दूसरी थ्रेड को, आई मीन दूसरी लेयर को, थ्रेड की दूसरी लेयर को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तब क्या होगा, यहाँ पर इस तरह का क्लॉथ फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस ये इस तरह की स्ट्रक्चर में देखने लगेगी जब हम इस थ्रेड की वेविंग कर देंगे टू और मोर लेयर्स के बीच में। ऑलराइट, वन लेयर वुड बी लाइक दिस एंड अनदर लेयर वुड बी लाइक दैट। ओके तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमें फॉर्म हो जाएगी जब हम इस थ्रेड की इस तरह से वेविंग कर देंगे, वेविंग मीन्स ओवरलैपिंग कर देंगे। ओके क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इस कॉटन फाइबर को हमने कन्वर्ट किया स्प्रिंग यानी ट्विस्टिंग करके इनटू द थ्रेड, उसके बाद थ्रेड को हमने वीविंग करके कन्वर्ट किया किसमें, क्लॉथ में। ओके सो व्हाट इज स्पिनिंग, स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर इनटू द थ्रेड, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर इनटू द थ्रेड। स्पिनिंग एक प्रोसेस है जो फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीविंग, वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द थ्रेड इनटू द क्लॉथ, वीविंग वो प्रोसेस है जो थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करता है, वीविंग एक प्रोसेस है जो कि थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करता है, थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करता है। नाउ मूविंग अहेड वी हैव लूम, लूम व्हाट इज लूम, लेट अस डिस्कस। ओके लेट्स डिस्कस, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू वीव क्लॉथ, ये एक डिवाइस है जो कि क्लॉथ को वीव करता है। किस तरह से ये वीव करता है क्लॉथ को, वॉच हियर, इस वे में, पहले हमने थ्रेड की ये लेयर इस तरह से एस्टेब्लिश की। ओके और इसके हर एक एंड पे हम, हर एक एंड पे क्या करेंगे, हम टेंशन अप्लाई करेंगे, मींस ये जो थ्रेड है वो काफ़ी टाइट रहने चाहिए, इनको हम बोलते हैं वेफ्ट, वेफ्ट के थ्रेड काफ़ी टाइट होने चाहिए या फिर हायर टेंशन में होने चाहिए। और इसके बाद हम दूसरी लेयर्स को, अनदर लेयर्स ऑफ थ्रेड्स को हम यहाँ पर ओवरलैप कराते हैं थ्रू दी वेफ्ट, हम वार्प को थ्रू दी वेफ्ट ओवरलैप या फिर वेव कराते हैं। और इस वीविंग से क्या होता है, इस तरह का क्लॉथ फॉर्मेशन होने लगता है, वीविंग से इस तरह का क्लॉथ फॉर्मेशन होने लगता है। ओके क्या किया हम लोगों ने, पहले यहाँ पर वेफ्ट को इस्टेब्लिश किया इस तरह से, इस तरह की लेयर्स, हायर टेंशन अप्लाई की, मीन्स ये जो है ये काफ़ी टाइट रहना चाहिए। उसके बाद वार्प, वार्प यानी अनदर लेयर ऑफ द थ्रेड, दूसरी लेयर थ्रेड की, उसको हमने इसके ऊपर वीव करना स्टार्ट किया। तो उस वीविंग से क्या हुआ, ये इस तरह से क्लॉथ फॉर्मेशन हो गया। ओके राइट, अब ये लूम कैसे क्लॉथ फॉर्मेशन करता है, देखिए ज़रा, इट क्रिएट्स द टेंशन इन द वेफ्ट टू वीव विद वार्प। लूम का काम क्या है, इट क्रिएट्स द टेंशन इन द वेफ्ट, ये वेफ्ट में टेंशन क्रिएट करता है, मीन्स इसके ये जो एंड्स हैं इनमें ये टेंशन क्रिएट करता है, टू वेव विद वार्प, जिससे कि ये वार्प के साथ वीव हो सके, जिससे कि ये वार्प के साथ वीव हो सके, इसलिए ये वेफ्ट को टेंशन प्रोवाइड करता है। वेफ्ट अगर टेंशन में नहीं होगा तो वार्प इसमें ईजिली वेव नहीं हो पाएगा। ऑलराइट नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ लूम, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लूम, फर्स्ट इज हैंड लूम, सो हैंड लूम इट इज ऑपरेटेड मैनुअली, ये वो लूम है जो कि मैनुअली ऑपरेट होती है। ओके अलूम दैट इज ऑपरेटेड मैनुअली इज कॉल्ड हैंड लूम, द फिगर ऑफ द हैंड लूम इज ड्रॉन इन हीयर, यहाँ पर हैंड लूम का डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो दो ट्रेडल्स हैं इन दो ट्रेडल्स को अल्टरनेटली पुश डाउन एंड पुश अप किया जाता है, और इसके साथ साथ
इस वार्प रोलर के थ्रू इस वेफ्ट पे वेविंग की जाती है। इस वार्प रोलर को रोल करके वेफ्ट के ऊपर वेविंग की जाती है, राइट। और अल्टरनेटली ये जो ट्रेडल्स हैं इनको पुश डाउन एंड पुश अप किया जाता है, जिससे यहाँ पर क्लॉथ का फॉर्मेशन होने लगता है या फिर वेविंग होने स्टार्ट हो जाती है, क्लॉथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो दिस वॉज हैंडलूम जो कि मैनुअली ऑपरेट है। ये रोलर जो है, ये जो वार्प रोलर है, इस हैंडल के थ्रू हमें अपने हैंड से इसको रोल करना होगा, मतलब ये मैनुअली ऑपरेटेड है, हमें खुद से इसको ऑपरेट करना है, इसको खुद से चलाना है। एंड वन मोर काइंड ऑफ लूम इज देयर, दूसरे तरह की लूम है पावर लूम, इट इज़ ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पावर। ये वो लूम है जो कि इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू ऑपरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू इस पावर लूम को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, देखिए ज़रा, ये है यहाँ पर ये जो मोटर फिट है यहाँ पर, ये मोटर जब रोटेट करना स्टार्ट करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तब क्या होता है, तब वाप वेफ्ट के ऊपर वेविंग करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से ये पावर लूम वेविंग करता है। तो यहाँ पर वेविंग के लिए हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक पावर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, फिलहाल के लिए इतना ही, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया।